लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की 17 नवंबर शुक्रवार को नहाई खाई के साथ शुरुआत हो चुकी है। छठ व्रती आज कद्दू भात खाने के बाद कल खन्ना का प्रसाद बनाएंगे। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाई खाई, दूसरे दिन खन्ना, तीसरे दिन संध्या अर्ध और चौथे दिन उषा अर्ध देते हुए समाप्त होगा। हिंदू धर्म में किसी भी पर्व की शुरुआत स्नान के साथ ही होती है और ये पर्व भी स्नान यानी नहाई खाई के साथ शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में नहाई खाई का विशेष महत्व है और अगर बात महापर्व छठ की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए छठ के लिए नहाई खाई करने के दौरान अवश्य सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि नहाई खाई के दिन छठव्रतियों को किन किन बातों का खास ख्याल रखना होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। जानकारों की माने तो नहाई खाई के दिन सबसे पहले घर की पूरी सफाई कर ले। इस दिन सुबह नदी, तालाब, कुआं या चापाकल पर स्नान कर शुद्ध और साफ कपड़े पहन ले। अगर घर के पास गंगा जी है तो नहाई खाई के दिन गंगा स्नान जरूर करें। अगर आपके घर के पास गंगा जी नहीं है, गंगा नदी नहीं है, तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। छठ के नहाई खाई के दिन व्रती महिला या पुरुष को चने की दाल और कद्दू की सब्जी शुद्ध घी में बनानी होती है, जिसमें शुद्ध सेंधा नमक भी डालना होता है। इसके साथ शुद्ध बासमती अरवा चावल बनाना होता है। फिर भगवान गणेश जी और भगवान सूर्य को भोग लगाकर ही व्रती इसका सेवन करते हैं और इसके बाद घर के सभी सदस्य को यही खाना होता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजा की जाती है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्ध का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। तीसरे दिन व्रती और उनके परिवार के लोग घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्ध देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्ध 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। चौथे दिन छठ पर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस महाव्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।